हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो गाइस चलिए वीडियो को हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमें जाना है पहले अपने मॉडल को ओपन कराना है एंड गाइस इफेक्ट में जाना है। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद हमें गाइस कलर वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है गाइस, एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिलेक्ट करना है एंड गाइस इसके अमाउंट को एकदम जीरो कर देना है। ठीक है गाइस, बिल्कुल जीरो कर देना है एंड डन कर लेना है। एंड गाइस आप सभी को इस फोटो को कर लेना है सेव। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको सेव कर लेना है एंड बैक चाहते हैं गाइज। ठीक है एंड अपनी गैलरी में जाता है एंड गाइज आप सभी को एक बैकग्राउंड है गाइज, उसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड गाइज इस बैकग्राउंड को ओपन करना है फिर। ठीक है, फिर ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना है। ठीक है, सो गाइज मैंने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज कर रखा है एंड गाइज आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज, वहाँ से जाके देख के आप बैकग्राउंड को इरेज करना सीख सकते हो। ठीक है, सो मैंने अपने मॉडल को ले लिया एंड गाइस को आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ऐसे सेट कर लेना है एंड गाइस उसके बाद आपको गाइस दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस वो जो हमने ब्लैक करी थी फोटो को, इसको लेकर आना है इस तरीके से। ठीक है, इसे लेकर आना है एंड गाइस आप सभी को इसको अपने पीछे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ गाइस बिकॉज मेरा हाथ मतलब उस फोटो तक क्लिक नहीं हो रहा। सो गाइस मैं इसको यहाँ रखता हूँ एंड गाइस इस वाली फोटो को मैं ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे टेढ़ा कर लेना। ठीक है, ऐसे गाइस ऐसे टैप कर लेना आगे वाली फोटो तक कि वो गाइस वो फोटो हमारी आगे आ जाए एंड गाइस इसके ओपेसिटी को हम पहले कम कर लेते हैं एंड इसके गाइस इरेजर टूल में जो ये बेस्ट पार्ट आ रहा है इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। गाइस कर लेते हैं डन एंड गाइस ये अपने मॉडल को आगे ले आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है तो गाइज आप कर लेते फोटो का डन एंड गाइज आप सभी को एक पीएनजी और लगाना है। सो गाइज ऐड फोटो में जाते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को एक पीएनजी लेना है। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डाउनलोड कर लेना सिंपली एंड गाइज आपको फुल ऐसे फुल स्क्रीन करना है एंड गाइज का ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखना है। ठीक है, स्क्रीन रखना है एंड गाइज ऐसे आप पूरा सेट कर लेना है एंड गाइज ऊपर से कर लेना है डन। ठीक है, इसमें थोड़ी कलर करेक्शन करेंगे गाइज, जो करेंगे हम लाइट रूम के ऐप के अंदर। तो गाइज ड्रॉ टूल में जाकर फोटो कर लेते हैं हम सेव इस तरीके से एंड गाइज चलते हैं बैक लाइट रूम के अंदर। ठीक है गाइज, सो गाइज यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बिकॉज यार आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइज हम आ चुके लाइट रूम ऐप के अंदर एंड गाइज ऐड फोटो में जाके आप सभी को अपने फोटो का ऐड कर लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग लिया गाइज, तो मैं अपने फोटो का ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद गाइज वो फोटो आपकी ऑल फोटोज़ में आ जाएगी। तो ऑल फोटोज़ में जाने के बाद गाइज आपको अपने फोटो को ओपन करना है एंड गाइज जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, ये जो लाइट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये, इसमें जाना है, एक्सपोजर को बढ़ा लेना है थोड़ा सा एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है एंड हाई लाइट को कम करना है। ठीक है, एंड शेडो को कम कर लेते हैं। ठीक है, एंड वाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड गाइज ब्लैक को कम कर लेते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं नीचे वाले आइकन में, गाइस चलते हैं मिक्स में, गाइस रेड कलर के ह्यू को बढ़ा लेंगे। ठीक है, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे एंड गाइस सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस को कम करेंगे। ठीक है, एंड चलते हैं ब्लू वाले में। ठीक है, सो इसमें हम गाइस सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे एंड ह्यू को कम करेंगे। ठीक है, सब चलते हैं सेकेंड ब्लू वाले पे, ह्यू को हम गाइस माइनस कर लेंगे। ठीक है, एंड सैचुरेशन को प्लस में रखेंगे, ठीक है, ल्यूमिनस को भी माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे डन एंड गाइस सैचुरेशन को हम गाइस प्लस में रखते हैं। ठीक है, एंड वाइब्रेशन को थोड़ा माइनस में एंड गाइस टेम्परेचर को भी थोड़ा प्लस में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वाले आइकन में, फोटो की थोड़ी क्लियरिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड विग्नेट को कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड फेदर को हम इंक्रीज करेंगे, प्लस में रखेंगे मतलब। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वाले आइकन में। नीचे वाले आइकन में जाने के बाद गाइस आप सभी को फोटो करनी शार्प। ठीक है, एंड कलर नोइज रिडक्शन को बढ़ाना जो कि गाइज हमारे फोटो में जितनी नॉइज होगी सारा कम हो जाएगा। ठीक है, एंड चलते हैं कलर नोइज रिडक्शन में एंड गाइज में कलर का जितना नॉइज होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। सो गाइज आफ्टर एंड बिफोर देख लीजिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है एडिट, तो हम फोटो कर लेते हैं सेव एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना बिल्कुल यार एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।